नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं रूपा सिंह। खबर अब रीवा से है। रीवा जिले के अमहिया थाना अंतर्गत उस समय हड़कंप मच गया जब पैसे के लेन देन के विवाद में धोबिया टंकी के कैलाश यादव सब्जी की दुकानदार के बगल में लकी खान ने रिबू खान उर्फ अल्ताफ को गला में चाकू मार दिया, जिससे वहां पर सनाका खिंच गया। अल्ताफ खान के नाक कान व चेहरे में चोट आने से तेजी से रक्त बह रहा था। वह आसपास के लोगों से इसकी जानकारी रिबू के परिजनों को दी। परिजनों ने त्वरित इलाज के लिए घायल रिबू को संजय गांधी अस्पताल उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। डॉक्टर सही समय पर न मिलने के कारण रिबू को आधे घंटे तक कान से खून बहता रहा। अस्पताल में रिबू के परिवारजनों की भारी भीड़ मौजूद थी और अस्पताल में तनाव की स्थिति बनने लगी थी। जब डॉक्टर पहुंचे और उपचार शुरू किया तो उसका रक्त बहना बंद हुआ। इसकी जानकारी होने पर अमहिया पुलिस संजय गांधी अस्पताल पहुंची और मामला पंजीबद्ध कर घटना के कारणों के पतासाजी में जुट गई है। घटना को अंजाम देने के बाद से लकी खान फरार बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? क्या नाम बताया? अल्ताफ खान, धोबिया टंकी। क्या बात हुई, क्या घटना हुई आपके साथ? चले जा रहे थे, बस होते चाकू मारा है। धोबिया टंकी था ना? नाम मारने वाले क्या नाम है? लकी खान। किस बात को लेकर मारा है? चले जा रहे हैं अचानक, उसके बाद पीने के लाने पैसा मांगा। क्या नाम है पूरा उसका? उसका लकी खान नाम कहीं तो बता रहे हैं, बाकी नहीं जानते। कहाँ रहता है? हम नहीं जानते। आप कहाँ रहते हो? धोबिया टंकी। धोबिया टंकी में लकी कहाँ रहते हैं? कितने लोग थे वो? तीन लोग थे। किस बात घटना कहाँ की है? क्या नाम है आपका? क्या घटना हुई आपके बच्चे के साथ? हमारे बच्चे को बैठा रहा है वहाँ सब्जी वाले के पास। हाँ, वो लड़का आके मारने लगा, कालर पकड़ लिया, कालर पकड़ के उसको चाकू मार दिया, पूरे आँख के पास यहाँ चाकू लग गई। किस क्या नाम लड़के का? हमारे लड़के का रिबू खान नाम। क्यों मारे पता है? नहीं मालूम। नहीं मालूम। लड़के की हालत कैसी है? लड़के की हालत बहुत, खून बह रहा है, पूरे हॉस्पिटल से खून बहते आया, अभी डॉक्टर के पता नहीं है। किस बात को लेकर घटना हुई आपको जानकारी नहीं है? नहीं है। पूरा नाम क्या लड़के का? रिबू खान।